जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट टू टीम वर्क। दिस पोयम इज रिटन बाय जैन निग्रो। जैन निग्रो वॉज ए न्यूजीलैंडर आर्टिस्ट हु वॉज बोर्न इन 1920। लेट्स स्टार्ट। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स? क्या आप दूसरों के साथ खेलना और काम करना पसंद करते हो? लेट्स सिंग एंड डांस। टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। टीम वर्क मीन्स कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप। टीम वर्क मीन्स जब आप किसी भी काम को एक ग्रुप में करते हो। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। जब आप एक ग्रुप बनाकर किसी भी काम को, वो काम चाहे जैसा हो, चाहे इजी हो या टफ हो, आप उस काम को बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। हम जब अपने काम को कर लेते हैं तब हमें कितनी खुशी मिलती है। टीम वर्क एवरीवन। जब एवरीवन टीम वर्क ग्रुप बनाकर उस काम को करते हैं तो वह काम हमें बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, बट इफ नोबडी पासेज देन नोबडी शूट्स। हूप मीन्स वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाय चाइल्ड। पासेज मीन्स मूव ऑनवर्ड। इट्स फन टू शॉट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। जब आप बास्केटबॉल को हुप में डालते हो तो आपको कितनी खुशी मिलती है। लेकिन यदि बॉल को पास करने वाला ही कोई नहीं होगा तो आप बॉल को हुप में कैसे डालोगे? इसका मतलब ये हुआ कि आप बास्केटबॉल गेम को अकेले नहीं खेल सकते हो। आप बास्केटबॉल को यदि ग्रुप में खेलते हो तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट टू पास द बैटन। रिले रेस रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। बैटन मीन्स शॉर्ट ट्यूब आर स्टिक कैरिड इन रिले रेस। जिस तरह रिले रेस आप अकेले नहीं खेल सकते हो, रिले रेस खेलने के लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत होती है। यदि उसमें कोई बैटन को पास करने वाला ही नहीं होगा, मीन्स रिले रेस में एक प्लेयर अपने आगे के प्लेयर को बैटन पास करता है, फिर वही प्लेयर अपने आगे के प्लेयर को बैटन पास करता है। इस प्रकार रिले रेस कम्प्लीट होता है। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। जब हम सभी एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं तब हमारी आइज कॉमन गोल पर टिकी हुई होती है। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू आर ए मी बिकम एन अस। कभी कभी इस ग्रुप की वजह से हमें बहुत बड़ी सफलता हासिल होती है। उसी तरह जिस तरह यू आर ए मी, मैं और तुम के होने से एक हम बनता है। मीन्स यदि हम किसी भी काम को, चाहे वो काम इजी हो या टफ हो, यदि ग्रुप बनाकर करते हैं तो उस काम को बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।